हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर. क्लास 11 सोशियोलॉजी एंड हम कार्ल मार्क्स को देख रहे हैं. सो कार्ल मार्क्स ने सिंपल बात करी कि इकोनॉमी भी हर जगह ऑलमोस्ट सेम रही है. इकोनॉमिक बेस में दो चीज़ें रहती है, एक तो प्रोडक्टिव फोर्सेस यानी जो जो चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लैंड हो गया, जो भी मटेरियल है, एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो उसमें मेन इन्वॉल्व है, उस मेन का उस चीज़ से क्या लेना देना है. ऑन दिस बेस रेस्टेड ऑल द सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी. सो इसी बेस पे सोसाइटी की सारी सोशल कल्चरल एंड जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो बेस्ड हैं. सो ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे कि रिलीजन हो गया, आर्ट हो गया, लॉ हो गया, लिटरेचर हो गया, या डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिलीफ आइडिया हो गए, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर जो बनाता है, विच वॉज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द बेस. तो बेस तो बन गया, बट उस बेस के ऊपर ये इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी, उसके अंदर रिलीजन भी मैटर करेगा, आर्ट भी, लॉ भी, लिटरेचर भी, बिलीफ भी. सो ये सब कुछ मिला के एक सुपर स्ट्रक्चर बना देते हैं. अब मार्क्स ने क्या आर्ग्यू किया कि जो लोगों के आइडिया और बिलीफ हैं, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ विच दे आर पार्ट. वो सिंपली बोलते हैं कि इंसान वैसा बिहेव नहीं करता जैसा वो बिहेव करना चाहता है. इंसान वैसा बिहेव करता है जैसे उसके आसपास की इकोनॉमिक सिस्टम हो रखा है, जैसे उसके आसपास का इकोनॉमिक सिचुएशन हो रखा है. जिस इकोनॉमिक सिस्टम का वो पार्ट है वो उस हिसाब से ही ह्यूमंस के आइडियाज़ या बिलीव्स एमर्ज आउट होने लगते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास अभी बहुत पैसा है, मान लो आपके पास अभी जेब में 2000 रुपये पड़े हैं और आपको कॉफ़ी पीने जाना है, तो आप क्या सोचोगे? एकदम से सीसीडी वगैरह दिमाग में आने लग जाएगा कि भाई के पास तो खूब पैसा है, भैया पैसा उड़ाएंगे अपन लोग. बट वहीं आपके पास अगर 20 रुपए हैं तो आप थोड़ी सोचोगे कि सीसीडी जाना है. आप क्या सोचोगे? अबे यार कौन सा ठेला ज़्यादा बेटर है. सो चॉइसेस क्या हुई? चॉइस पहले अलग थी कि आप रिच वाले फेस में सोच रहे थे, लेकिन अब आप इकोनॉमिकली कंस्ट्रेंट पोजिशन में सोच रहे हो. सो हाउ ह्यूमन बींग्स अर्न देयर लाइवलीहुड ये डिटरमाइन करता है कि कैसे वो सोचते हैं. बहुत बेसिक एक मैं अगर बात करूँ कि एक ह्यूमन बींग है, मान लो बहुत पैसा कमा रहा है, अंबानी भैया मान लो आप, तो जिस हिसाब से वो लाइवलीहुड चला रहे हैं उस हिसाब से उनके थॉट हैं. वो क्या सोचेंगे? अरे यार कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर और बिजनेस बढ़ाऊँ, ये सब. वहीं अगर हम बात करें एक छोटे डेली वेज लेबरर की, तो उसके थॉट क्या होंगे? वो ये सोचेगा यार अब कौन सी ऐसी जगह पे जाऊँ कि मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए पर डे के. तो थॉट में आप ये देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है. तो वो बोलते हैं ह्यूमन बींग्स जिस हिसाब से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं ना, उसी हिसाब से सोचते हैं. सो मटीरियल लाइफ शेप्ड आइडियाज एंड आइडिया डिड नॉट शेप मटीरियल लाइफ. ये बोल रहे हैं कि जो हमारी मटीरियल लाइफ है ना, जो जैसे हम काम कर रहे हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, वही हमारे आइडिया को शेप करती है. आइडिया कभी भी मटीरियल लाइफ को शेप नहीं करेगा. तो ये जो आर्ग्यूमेंट था, इट वेंट अगेंस्ट द डोमिनेंट वेज ऑफ थिंकिंग इन मार्क्स टाइम एंड इट वॉज कॉमन टू आर्ग्यू कि ह्यूमन बींग वर फ्री टू थिंक वॉट एवर दे वॉन्टेड. अब जिस एरा में मार्क्स इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, वो ऐसा एरा था कि सब लोग कह रहे थे कि ह्यूमन बींग्स आर फ्री टू थिंक, वो जो चाहे सोच सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं. पर वहीं मार्क्स भैया कह रहे थे नहीं, आपकी सोच तो लिमिटेड है. जो जिस जगह आप एक्सपोज हो रहे हो, आप हद से हद उस तक ही सोच सकते हो, आप उससे ज्यादा नहीं सोच सकते हो. सो मार्क्स प्लेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि दैट दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एवरी सोशल सिस्टम थ्रू आउट द ह्यूमन बींग. सो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उन्होंने बोला कि अगर एक बेटर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा ना, तो हम सब बेटर तरीके से जी पाएंगे. सो इफ यू अंडरस्टैंड कि कैसे जो इकोनॉमी वर्क करती है एंड हाउ इट हैज बीन चेंजिंग इन द पास्ट, वो आर्ग्यू करते हैं कि वी लर्न हाउ The change in society can be seen, how the change in society can be observed.